we are providing Saint Angel online classes and we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3, and in this video I will discuss NCERT exercise question. So let us start question number 3.11. Now you see the question. What do you understand by isoelectronic spaces? First question is here. What do you understand by isoelectronic spaces? Question number 3.11. इसका पहला पार्ट क्या है कि what do you understand by the isoelectronic spaces? हम isoelectronic spaces किसे कहते हैं? तो isoelectronic spaces क्या होता है? कहता है कि the spaces which have the same number of electrons but different magnitude of their nuclear charge are called isoelectronic spaces. तो isoelectronic spaces को यदि हम डिफाइन करें isoelectronic स्पेसिज, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस है विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस विच हैव same number of electrons but different magnitude of the nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज मीन्स ये ग्रुप ऑफ आयंस और एटम्स है जिसका क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होता है लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लें इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिज का, तो आप एक एग्जांपल आप ले लो जैसे Na प्लस, और यदि हम बात करें F माइनस का, तो अब आप देखो या फिर आप नियोन भी ले सकते हो. तो इस तीनों एलिमेंट्स में यदि आप देखें तो हम क्या पा रहे हैं, सोडियम आयंस के फॉर्म में है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इसमें देखें तो कितना है, 10 है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है प्लस चार्ज के चलते. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लोरीन में 9 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर चुका है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इसमें भी 10 आ गया. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, 10 है, और नियोन में कितना होता है, 10 होता ही है. तो तीनों में यदि हम क्या पा रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कॉन्स्टेंट है. तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिज कहेंगे. इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिज कहेंगे क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के चलते कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 11 है. एक प्लस चार्ज मीन्स एक कम हो गया तो 10 आ गया. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है, नेगेटिव चार्ज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसने, तो उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 9 पहले था 1 प्लस हो गया तो 10 हो गया. और नियोन में कितना है, तो ऑलरेडी 10 होता है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि आपको फाइंड करना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका तरीका क्या है, जैसे Na प्लस है तो जितना प्लस चार्ज है तो इसका एटॉमिक नंबर आप देखो, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, और इस पर एक प्लस चार्ज है तो एक माइनस सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, और एक प्लस चार्ज है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो कितना बचता है, 10. इसी तरह से F माइनस का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 9, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ऐड कर दो उसमें, तो कितना बच गया, बन गया 10 आपका. उसी तरह से नियोन एक न्यूट्रल एटम है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो यहाँ कितना है, तो 10 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो गया, 10 हो गया. तो तीनों का जो आपका इलेक्ट्रॉन्स नंबर है वो सेम है, लेकिन जो प्रोटॉन जो मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज है वो डिफरेंट है.
तो आपको ये क्या कहलाएगा, ये तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर आएगा। अब इसमें एक पार्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि सेकंड पार्ट कह रहा है कि नेम ऑफ द स्पीसीज दैट विल बी द आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स आयंस। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिया है कि आपको एफ माइनस का निकालना है, एफ माइनस का क्या होगा, आर्गन का क्या होगा और मैग्नीशियम का 2+ का क्या होगा, रुबिडियम प्लस का क्या होगा, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक को फाइंड करना है। तो इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो पहला आपको दिया हुआ है इसमें एफ माइनस, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका निकाल लें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर कितना है फ्लोरीन का, मतलब यहाँ पर यदि देखें तो 9 और एक नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स किसमें होता है, तो यदि आप देखो तो आप सोडियम का जानते ही हो, अभी हमने एग्जांपल लिया था सोडियम प्लस, यदि हम ले लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना आ जाएगा, इसमें भी 10 आ जाएगा। मीन्स एफ माइनस का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, एन ए प्लस है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे Mg2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो 11 था इसका, इसमें हमने -1 कर दिया था तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आया था। उसी तरह से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 12 है, और इस पर 2+ चार्ज है, 2 माइनस कर दो आप तो कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। और यदि आप ढूंढना चाहते हो तो एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, और इस पर 3+ चार्ज है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो ये कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी इसका क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। यदि हम ऑक्सीजन 2- को ले लें, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, कितना नेगेटिव चार्ज है, 2- इसमें +2 कर देंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, और ये सब क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएगा एक दूसरे का। सेकेंड क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया था फाइंड करने के लिए, तो वो दिया हुआ है आर्गन, आर्गन का आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ढूंढना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले देखें आर्गन में, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 18 होता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग जो भी आयंस और एटम होगा सब आपका क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। तो आप देखते क्या हो कि क्लोरीन Cl-, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, और एक इलेक्ट्रॉन्स यदि ये गेन कर लेता है तो ये कितना हो जाता है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। उसी तरह से यदि हम बात करें किसका, क्लोरीन हमने ले लिया, जैसे स्कैंडियम जो होता है 3+, स्कैंडियम 3+, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है स्कैंडियम का, तो ये 23 होता है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ये भी एक क्या है, इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है आर्गन का। तो स्कैंडियम हो सकता है, इस तरह से कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि देखें तो ये 20 है, और इससे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो ये कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। ये सब आपका क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, तो नेक्स्ट दिया हुआ है मैग्नीशियम 2+ का। तो मैग्नीशियम 2+ का तो यहीं आप देख लो, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है मैग्नीशियम 2+, तो मैग्नीशियम 2+ मीन्स इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, और 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स के स्पीसीज को, ये सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स का स्पीसीज है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F- आप लिख सकते हो, Al3+, ऑक्सीजन 2-, एटसेट्रा, ये सारे सब आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को फाइंड करते हैं। अब हम रेस्ट जो बचा उसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर है 3.12। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज N3-, ऑक्सीजन 2-, F-, Na+, Mg2+ एंड Al3+, व्हाट इज द कॉमन इन देम, इसमें कॉमन क्या है। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि इसमें कॉमन क्या होगा, कि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो कॉमन क्या हो जाएगा इसका, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज ऑल दीज आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बिकॉज दे हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब कह रहा है कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। तो देखो तो 3.12 का यदि हम क्वेश्चन देखें तो इसका पहला पार्ट क्या था, किसमें दिया हुआ था आपको, ये आयन सारे दे दिया है कि आपको N3- ऑक्सीजन 2- N3- ऑक्सीजन 2- F- दिया हुआ है, Na+ दिया हुआ है, Na+ Mg2+ Al3+ ये दिया हुआ है। और ये पूछ रहा है क्या कि इसमें सब में आपका कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है। तो ऑल दीज स्पीसीज हैविंग द व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें, सब में 10 है, इसलिए सबको हम क्या कहेंगे, कॉमन आयंस कहेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सो ऑल दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएगा, सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। दूसरा पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, दूसरा पार्ट दिया है क्या कि आपको इसको अरेंज करना है, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई में क्या होता है कि आप जानते हो कि कैटायनिक चार्ज जितना होगा रेडियाई क्या होगा, उतना ही स्मॉल होगा। कैटायनिक चार्ज जितना ज़्यादा होगा इस रेडियाई क्या होगा, उतना ही स्मॉल होगा। ग्रेटर कैटायनिक चार्ज स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे छोटा रेडियाई किसका होगा, Al3+ का। तो Al3+ पर चार्ज ग्रेटर है इसलिए रेडियाई सबसे छोटा हो जाएगा, आयनिक रेडियाई इसका। इसके बाद क्या आएगा, Mg2+, क्योंकि Mg पर कितना है, 2+ चार्ज है, तो Mg2+ का रेडियाई आएगा। देन क्या आ जाएगा, Na+, क्योंकि इस पर एक सिंगल चार्ज है। इसके बाद क्या आएगा, कहता है कि एनायन का चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है रेडियाई इंक्रीज करते चला जाता है। तो सबसे कम किस में है, F- का, तो हम यहाँ पर F- कर लेंगे। ऑक्सीजन में 2- चार्ज है, इसका रेडियाई F- से ज़्यादा होगा, और Na पर क्या है, 3- चार्ज है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई किस में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिए। इस तरह से आयनिक रेडियाई को हम अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू।